भगवत कृपा से और तीर्थ के देवताओं की कृपा से और सभी साधु संतों के आशीर्वाद से हर कुंभ में हम रामचरितमानस की पोथी जी लेकर जाते हैं। नौ दिन राम कथा प्रगट अप्रगट चेतना को सुनाते हैं। इसी क्रम में हमारा सद्भाग्य है कि प्रयागराज आना हुआ। 19 से आज से 27 तक मैं निम्बार्क शिविर में कथा गाऊंगा। हर एक कुंभ में प्रशासन और जनता अपने अपने ढंग से उसका आयोजन करते रहते हैं, लेकिन इस बार के कुंभ में मुझे लगता है कि इसको एक बहुत विशेष और सुचारू रूप दिया गया है। इतने विस्तार में फैला एक कुंभ क्षेत्र, मैंने कल 2 घंटे दर्शन किए इधर उधर, स्वच्छता भी सराहनीय है, न कहीं भीड़भाड़ है और तीर्थ की पवित्रता तो है ही। तो मैं हमारे पूजनीय और यहाँ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी जी महाराज को और आपके पूरे प्रशासन को बधाई देना चाहता हूँ। तो इस बार अनुभव के बाद आगे आगे आयोजन होता रहता है। इसी सिलसिले में एक साधु के नेतृत्व में हुआ है तो उसका कुछ तेज और बढ़ जाता है। इसलिए मेरी बहुत प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ और हम कुंभ में संगम है, विचारों का संगम करें, अपनी अपनी आस्थाओं का संगम करें, अपनी अपनी साधनाओं का संगम करें और विश्व को समन्वय और संगम का संदेश दे। और यहाँ से हो रहा है और विशेष रूप में भी ये संदेश जाएगा। मैं पुनः एक बार मेरी प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।